मैडम एक मिनट, पहले तो आप ये बताइए कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के राजनीतिक बेस पे आई हैं या हमारे समाज? मैडम मैं राजनीतिक बेस पे नहीं आई हूँ, अगर राजनीतिक क्वेश्चन कर रही हूँ, राजनीतिक क्वेश्चन तब कर रही हूँ अगर राज्य सरकार आए। मैडम कीजिए मेरे संगठन की, संगठन की बात करते हुए ही, संगठन की बात करते हुए ही मैंने राज्य सरकार की मैडम बात की है। अगर आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे तो कैसे आप अपनी बात पहुँचाएंगे ये बताइए। बोलने की जरूरत है, सरकार पलट के रख दी है, दिखा नहीं आपको? मीडिया भी बिका हुआ है, मीडिया फर्जी बोलती है, सिर्फ सोशल बोल रही है। आप जैसे लोग छोटे वर्ग चैनल है जो यही सच बोल रहे हैं, बड़े चैनल जितने हैं पूरा 100% झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम कह के वो गुमराह कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आप उनके डीजे पे, उनके वो मौलाना पे तो आप कह रहे हैं कि वो लाउड स्पीकर कर रहे हैं, और आप जो मंदिरों में घंटा हिला रहे हैं, जो मंदिरों में आप जो बोल रहे हैं, अंबेडकर साहब की और भगत सिंह की फोटो लगा दी है, उस विचारधारा को उनको ऊपर उतारना पड़ेगा और हकीकत में उतारना पड़ेगा। नहीं तो जनता जानती है, किसी को हमेशा के लिए सीटें नहीं मिली है, राज करने की प्रथा नहीं मिली है, हमने पंजाब में तो अच्छे अच्छों को नीचे उतार दिया है। जबकि हमारा एक ही पेशा है, एक ही धंधा है, एक ही जीवन शैली है, एक ही रहन सहन का स्तर है, सब कुछ एक ही है, अछूत की श्रेणी में भी हैं, मगर वो आज़ादी के बाद हम आधे भारत में अनुसूचित जाति में हो गए, आधे भारत में पिछड़ी जाति में हो गए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और इस वक्त मैं अंबेडकर भवन मौजूद हूँ। यहाँ पर रजक समाज के लिए 2 दिवसीय जो है प्रोग्राम और चर्चा रखी गई थी, जिसमें रजक समाज के लिए बातचीत की गई और उसके उनके आगे बढ़ावे के लिए, ताकि वो आगे शिक्षित हो सकें, उनके बच्चे शिक्षित हो सकें, उन्हीं के लिए चर्चा की गई और बात और डिमांड रखी गई। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा दास है, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ, मैं विश्व रजक महासंघ के कला एवं सांस्कृतिक प्रेसिडेंट हूँ। और जनहित आवाज़ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके द्वारा मैं जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना हो सके बेटी को पढ़ाइए, क्योंकि आज हम लोगों को लड़का लड़की दोनों ही आगे का दिन में दोनों ही अशिक्षित थे, लेकिन हम लोगों का भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत आज हमें शिक्षा का समानता मिला हुआ है। और हम चाहते हैं सभी लड़कियाँ शिक्षित बने, ताकि कभी किसी ससुराल में उनको जलाया ना जाए, दहेज के लिए उत्पीड़न ना किया जाए, ताकि वो पढ़े लिखे पाँव में खड़ा हो और कुछ करे तभी शादी करे, ताकि वो अपना दहेज जो प्रथा में उसके बिल्कुल खिलाफ हो, ताकि उनका जो आने वाले जो पीढ़ी है वो शिक्षित बने। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत हम लोग अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। और आज मैं आपके चैनल के द्वारा मैं अपने विश्व रजक महासंघ के रंजीत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम सभी स्रोतों से इतने हम लोग इकट्ठा आज हुए हैं, अलग अलग प्रांतों से हम लोगों को इकट्ठा यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए हैं। और हम लोगों का यही एजेंडा है कि हम लोग का जो संविधान में जो हम लोगों को जो मिला है, संविधान द्वारा जो हम लोग को सुविधा मिला, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। अभी भी हम लोग पीछे दलित समाज से ही मतलब है, और हम लोगों को वो जो मिलना चाहिए अभी भी हम लोग का धर्म के खिलाफ। मैं यही बोलना चाहूँगी, जो धर्म पूजा पाठ कोई धर्म से मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो आप लोग खुद सोचिए, जब मंदिर में इतने सोना चांदी जो वहाँ पर दान दक्षिणा किया जाता है, वहाँ पर बैठे हुए सीढ़ी में जो भिखारी बैठा है, वो पंडित का जो पैसा का जो डोनेशन किया जाता है पब्लिक के थ्रू से, उनसे 1% भी वो भिखारी जो सीढ़ी में बैठे उनके दौर बक का रोटी का रोटी या अनाज का क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं है। तो आप सोचिए, जिस मंदिर में उनका ही नहीं सुनते, जहाँ पर वो भिखारी आज भी वही है, तो वहाँ पर दान देने से अच्छा ऐसे लोगों को एक दान दीजिए जो किसी गरीब पढ़ाई का खर्चा उठाइए, या किसी विधवा है उनको थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। तो मैं दान देने के लिए खराब नहीं बोलती हूँ, लेकिन ऐसा दान विश्वास और अंधविश्वास में अभी भी हम लोगों का फर्क करना बाकी है, क्योंकि पूजा ऐसा एक जहाँ में विश्वास मतलब भगवान है वहाँ पर आस्था है, जहाँ में आस्था है वहाँ पर हम लोग का भटकन हो जाता है, क्योंकि अभी भी पंडितों द्वारा आगे भी और अभी भी हम लोगों का अलग अलग कार्यक्रम से, जैसे गोदान हो गया, मरण के उपरांत जो गोदान दिया जाता है, सोना दान दिया जाता है, ऐसा मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या पंडितों ने ठेका लग के रखा है जो वो अपने जो अपना मंत्र द्वारा सभी
सभी वो उनको जो पाप करने वाला आदमी को भी वो अपने गोदान और ये वे करके पुण्य स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं कि उन वो सभी को अगर स्वर्ग में भेजेंगे तो। पर बहुजन समाज जो है सबसे ज्यादा उन्हीं पर ही विश्वास करता है, किसी के मरने पर भी पंडितों को बुलाता है, शादी भी पंडितों द्वारा करवाता है। सही बात आपका, बात में हमें आपके बातों से सहमत हूँ। इसी वजह से हम लोग ये धरना दिए, मतलब धरना भी करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि हम लोग ये अंधविश्वास को दूर करना है। जो हम लोग को पंडित, हम लोग भगवान से ये नहीं है, लेकिन पंडितों का जो ये नियम हम लोगों के ऊपर थोपा गया है उसको हम लोग को रखना है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते जो किसी के ऊपर वो हम लोगों को बोलेंगे नामकरण तो हम लोग बुलाएंगे, ये मृत्यु में उन लोग को बुलाएंगे, शादी में उन लोग को बुलाएंगे। हम लोग के वजह से उन लोग का धंधा चल रहा है, एक धंधा हो गया है हम लोगों के जो भ्रम। देखिए आज अगर कोई सन्यासी अगर पंडित और नाम जप करके अगर लोभ मोह से मतलब ये हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो क्यों आज आप देखिए, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अभी भी सत्ता संभाले हुए गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए, अगर उनका लोभ मोह नहीं है तो सरकार की। अभी इसी से मुझे बात याद आई, अभी आपने कहा कि स्त्री जो है पढ़नी चाहिए और उसकी बहुत जो है स्थिति खराब है, पर मोदी सरकार, जो मोदी सरकार है वो तो स्त्रियों के लिए बहुत बड़े बड़े बैनर लगा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसी बात भी लिखवाती है, करती भी है कि स्त्रियों के लिए हम पढ़ाई की भी व्यवस्था करवा रहे हैं, स्त्रियों के लिए हमने बहुत कुछ काम किया है, ऐसा वाकई। मैं ये समाज के बारे में ये नहीं बोलूंगी, मोदी सरकार को सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ अगर हम लोग सिर्फ व्रत और त्यौहार में ही अगर फंसे रहेंगे तो मैं ये पूजा कर लूँगी तो मेरा लड़की फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे, इससे हट के हम लोगों को अध्ययन में जोड़ देना है, क्योंकि अगर आज अध्ययन आस्था है ना लोगों की, विश्वास है मैडम। हाँ विश्वास तो अलग चीज़ है, लेकिन अंधविश्वास अलग चीज़ है, विश्वास करना अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग चीज़ है। आज हम लोग देवी देवता हम भी मानते हैं मान लीजिए, लेकिन आज देखिए आज संविधान के द्वारा हम लोग को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हम लोगों को आज शिक्षा मिली है, तो आप क्या बोले, आप सरस्वती माँ को मानेंगे या अम्बेडकर जी को मानेंगे? सही बात है ना, मैं तो अंबेडकर को ही मानूंगी, मैं भी अंबेडकरवादी हूँ जी। धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी सर मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, बात मैं वो भी कर रही हूँ। आ जाइए आप भी आ जाइए, बेशक आप इधर आके बोलिए सर, इधर आके बोलिए आप, मैं राजनीति की, अगर आप लोग अगर अपने मुद्दे नहीं रखेंगे तो सर कैसे आप इस समाज को आगे बढ़ाएंगे? मैं हीरा रजक कोलकाता से हूँ और मैं विश्व रजक महासंघ के वेस्ट बंगाल यूनिट का चेयरमैन हूँ। मैं राष्ट्रीय अधिवेशन में नई दिल्ली आया हुए हूँ और मैं अपने राज्य का जो हमारे समाज के लोगों को जो तकलीफें हैं, जो तकलीफें हैं उनको मैं अपने संगठन से प्रस्ताव दिया हूँ कि हमारे राज्य में हमारे बिरादरी वालों को बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही निचले स्तर पर है, उनको कैसे तकलीफें हैं सर, बहुत ही गरीबी अवस्था में है, उन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, ना राज्य सरकार देखती है ना कोई केंद्रीय सरकार देखती है। आ गई ना राज्य और केंद्रीय सरकार की बात, तो मैंने क्या पूछा, मैंने भी तो वही पूछा है सवाल, मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को कौन देखेगा, तो मैं अपने संगठन से गुहार किया हूँ कि हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या 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 होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं होती है, क्लास 8 तक हमारे रजक समाज के बच्चे पढ़ के छोड़ देते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, जबकि वो लोग टैलेंटेड बच्चे हैं, पैसे के अभाव में उनका शिक्षा अधूरा रह जाता और एक ही कोठरी में वे लोग जीवन बिता देते हैं। हाँ तो वो कितना तकलीफ की बात है, वो भी हमारे समाज के भाई है तो वो हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग को तकलीफ होता है, तो मैं उसके उत्थान के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कैसे समाज को आगे बढ़ाएं। नहीं सर जागरूकता की कमी है ना। हाँ जागरूकता की कमी है, तो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, सरकारी सहायता मिलनी चाहिए और SC ST सर्टिफिकेट के लिए बहुत जो है हमारे हिंदी भाषी धोबी है वहाँ, उन लोगों को जल्दी नहीं मिलता है। हाँ वो बड़ी दुख की बात है और राज्य सरकार से अनुरोध है कि आधार कार्ड के आधार पर ही हमारे SC ST युवकों को सर्टिफिकेट मिला जाए, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, जिससे वो समाज के सरकारी कार्यों में भाग ले सके और देश को उत्थान में और अपना समय व्यतीत कर सके। बात उन तक पहुंचेगी कैसे सर? ये मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा, आप पहुंचाने वाले हैं, हमारे राज्य सरकार को आप पहुंचाइए, केंद्रीय सरकार को आप पहुंचाइए कि ऐसे ऐसे तकलीफें हैं रजक समाज के लोगों में,
कितनी तकलीफ है। सर हम तो सर आए इसलिए ताकि आपकी बातें वहाँ तक पहुँच सके, पर अगला कदम क्या रहेगा? सुनिए, कपड़ा धोने के लिए धोबी घाट नहीं है, कितना दिक्कत होता है। हाँ, तो धोबी घाट की व्यवस्था कौन करेगी? सरकार को करना है ना। सर आप तो फिर यही बात कर रहे हैं ताकि वो उसी काम में और उसी उसी व्यवस्था में बंद के रह जाए। जो कमाने की जरिया तो वही है ना। आपने कहा धोबी घाट नहीं है, यानी आप उनको गुलामगिरी ही करवाएंगे? गुलामगिरी नहीं, उसके बच्चे पढ़ेंगे तो उसके गार्जियन तो आय करेंगे तभी के माध्यम ना, आय करेंगे तभी तो और उसके बाद जो है बच्चे पढ़ेंगे और बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार को सहायता देना चाहिए। तो शिक्षा की जो है बात कीजिए ना, आपने कहा धोबी घाट तो वो तो उसी व्यवस्था में ही बंद के रह जाएंगे जो पिछले टाइम से होता आया है, वही होता है। हाँ, और शिक्षित होना है, बच्चों को शिक्षा में सहायता करना है सभी को, ठीक है जी। शिक्षा, हाँ क्या बता रहे हैं? शिक्षा पे ऐसा है मैडम कि देखिए, जब तक हमारी सरकार जो है, सरकार पूरी तरीके से शिक्षा को खत्म करना चाहती है, क्योंकि खत्म करना चाहती है, चाहती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। जब शिक्षा खत्म करने के दो तरीके होते हैं, सरकार खत्म करना चाहती है। किस प्रकार से खत्म कर रही है? जब हमारी आमदनी ही नहीं होगी, जब आमदनी नहीं होगी हमारे पास, तो हम शिक्षा करेंगे क्या? हमारे पास कोई रोजगार है नहीं, ना बेरोजगार की व्यवस्था हो रही, ना कोई रोजगार मिल तो रहा है, केंद्र सरकार दे रही है, देखिए कहीं नहीं दे रही रोजगार, सिर्फ हवा में चल रहा है। इल्जाम लगाते रहते हैं, इल्जाम नहीं, मीडिया पे भी लगा रहे हैं। मीडिया भी बिकाऊ है, मीडिया फर्जी बोलती है, सिर्फ सोशल बोल रही है। आप जैसे लोग छोटे वर्ग चैनल है जो यही सच बोल रहे हैं, बड़े चैनल जितने हैं पूरा 100% झूठ बोलते हैं। क्योंकि जब तक आज जैसे केजरीवाल दिल्ली में है, केजरीवाल बढ़िया मुख्यमंत्री है, क्यों? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे वो काम कर रहे हैं। भाई हम लोग शिक्षा चाहिए, शिक्षा सरकार जब तक नहीं चाहेगी, फ्री नहीं करेगी, या सरकारी। आप कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रही है, पर कल ही जो है मैं ऐसे छात्रों से मिली हूँ जो जिन पे धारा 144 लगाई गई है और शिक्षा के नाम पे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्कूलों की। हाँ जी बिल्कुल, कल ही मैंने जो है वहाँ पे आप कह रहे हैं शिक्षा अच्छी है, सही शिक्षा दी जा रही है उनके? शिक्षा तो वैसे बढ़िया दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, सारे वहाँ पे सरकारी स्कूलों में सारी इंग्लिश मीडियम कर दिए गए हैं, सारी किताबें मिल रही हैं। प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में 8,000-7,000 किताबें दे रहे हैं और हर साल सेक्शन चेंज कर देते हैं। 3 साल का उठा के देख लिए, पहला चैप्टर है वो 8वें में डाल देते हैं, 8वां चैप्टर 21वें डाल देते हैं। इस तरीके से शिक्षा को क्या बढ़ावा दे पाएंगे हम लोग? कभी नहीं दे पाएंगे। हम जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे और हमारा देश फिर एक बार अशिक्षित हो जाएगा। शिक्षित हम लोग होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अशिक्षित कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास धन नहीं होगा, हम बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर रही हमारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा के उसमें सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोग बार बार चिल्लाते हैं, बार बार अवगत करा रहे हैं योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि हमारी शिक्षा की पर ध्यान दीजिए। ना तो वो उसका किताबों में रोक रहे हैं, ना फीस में रोक रहे हैं। शिक्षा तो मुद्दा है ही नहीं ना, मुद्दा है हलाल मीट, हिजाब, लाउड स्पीकर, अजान के, मुद्दा तो शिक्षा है ही नहीं। नहीं, ये महंगाई भी कोई मुद्दा नहीं है सर। ये तो सिर्फ पब्लिक को, जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कह के, हिंदू मुस्लिम कह के वो गुमराह कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आप उनके डीजे पे, उनके वो मौलाना पे तो आप कह रहे हैं कि वो लाउड स्पीकर कर रहे हैं, और आप जो मंदिरों में घंटा हिला रहे हैं, जो मंदिरों में आप जो बोल रहे हैं, नहीं ये क्या है? आपने डीजे बजा रहे हैं, शादियों में डीजे बज रहा है, कहीं वो भागवत हो रही है वहाँ डीजे लगा है, ये क्या है? ये भी तो गलत है ना। आप क्यों डीजे बजा रहे हैं? डीजे पे सभी पे प्रॉब्लम कर दीजिए ना, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और हम कह रहे हैं चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, भाई व्यक्ति को शिक्षा चाहिए। सरकारी में योगी जी ने पहले कहा था कि जितने अधिकारी नंबर 1 फर्स्ट क्लास के ऑफिसर होंगे उनके बच्चे सब पढ़ेंगे सरकारी में। क्यों नहीं पढ़ रहे? नौकरी हटाइए उन लोगों को, नहीं पढ़ा रहे तो क्यों नहीं हटा रहे नौकरी से लोगों को? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों मिले हुए हैं इसमें, और हम जैसे शुद्ध समाज को नीचे दिखाना चाहते हो, कमजोर कर रहे हैं हम लोगों को। दिखाना चाहते हैं, दिखा चुके हैं सर, 99% दिखा चुके हैं। जो बचा कुचा है वो भी हमारा चला जाएगा मैडम, क्योंकि कैसे वापस लेंगे फिर? मैडम वापस लेने के लिए हम लोग आज समाज को, पावर है सरकार के पास, सरकार के पास पावर तो हम लोग पास वोट की ताकत होती है। हमारे वोट तो आप जो है वोटिंग के टाइम पे आप लोग तो चले जाते हैं सवर्णों की शरणों में।
वोटों के टाइम पे श्रवणों के शरण में नहीं जाते हैं। कुछ लोग हैं शूद्र समाज के जो अपना ईमान बेच देते हैं 500 रुपए में और साड़ियों में बेच देते हैं। हम उन्हीं शूद्र समाज को, धोबी समाज के लोग निकले हैं जागरूक करने के लिए कि अपने ईमान को जगाइए और साड़ियों में और बिछियों में ना जाएं, पैसों में ना जाएं, अपने वोट की कीमत और अहमियत को समझें। अपना वोट से ही आप हक लेंगे, उसी वोट से आपको सब कुछ मिलेगा। और ये विश्व रजक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, इसमें हम लोग कुछ मुद्दे लेकर के आए हुए हैं, उसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं, पहला मुद्दा है कि हम आधे भारत में अनुसूचित जाति में हैं और आधे भारत में हम लोग पिछड़ी जाति में हैं, जबकि हमारा एक ही पेशा है, एक ही धंधा है, एक ही जीवन शैली है, एक ही रहन सहन का स्तर है, सब कुछ एक ही है। अछूत की श्रेणी में भी हैं, मगर वो आज़ादी के बाद हम आधे भारत में अनुसूचित जाति में हो गए, आधे भारत में पिछड़ी जाति में हो गए। हम इस लड़ाई को, मुद्दे को लड़ाई बनाना चाहते हैं और इसको लड़ करके पूरे भारत में हम एक करना चाहते हैं अनुसूचित जाति में सबको। कैसे एक होगी सर? यही तो बात है, यही बात पर, इसी बिंदु पर आज यहाँ चर्चा हो रही थी और ये तय हुआ है कि इसका जो है जनमत तैयार किया जाएगा पूरे देश भर में। जहाँ जहाँ हम पिछड़ी जात में हैं उनका जनमत तैयार किया जाएगा। जनमत तैयार करके हम लोग रामलीला मैदान में बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का कोई मजबूत प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री स्तर का, प्रधानमंत्री स्तर का नहीं आएगा, हमारी बात को नहीं सुनेगा, उसको मजबूती से नहीं उठाएगा, तब तक हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों की तरह डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। बारिश धूप पर सब, जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे इकट्ठा होकर के केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो हम लोग भी इकट्ठा होकर के एक नई दिशा तय करेंगे। तो ये एक तरीके से ऐलान समझे आप लोग? और क्या ऐलान ही है, ये ऐलान ही है। इस पे जोरदार नारा भी बोल, और हमारे समाज के महापुरुष हैं संत गाड़गे जी, जिनको राष्ट्रीय संत कहा गया है। ये डॉक्टर अम्बेडकर के समकक्ष संत थे, डॉक्टर अंबेडकर के साथी थे, एक तरह से सहयोगी थे, साथी थे, और आज भी पूरे भारत में संत गाड़गे को लोग नहीं जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को तो जानते हैं मगर संत गाड़गे जी को नहीं जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो आंदोलन खड़ा किया था सामाजिक परिवर्तन का, उसको चलाने के लिए या उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने का काम संत गाड़गे जी ने किया था, जिनको देश नहीं जानता है। ये स्वच्छता के जनक हैं, संत गाड़गे जी भारत में स्वच्छता अभियान के जनक हैं और झाड़ू चलाते हैं मोदी जी। तो हम ये चाहते हैं कि इनके नाम पर, संत गाड़गे जी के नाम पर पूरे भारत में 23 फरवरी उनका जन्मदिन है, उस दिन पर स्वच्छता दिवस मनाया जाए और उस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, स्वच्छता अभियान चलाया जाए। स्वच्छता अभियान तो मोदी जी चला ही रहे हैं, लगा के नाम पर नहीं चलेगा, संत गाड़गे जी के नाम पर चलेगा। ऐसी क्रांति आएगी वाकई में? क्रांति नहीं लाना है, हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत संत गाड़गे जी ने ही किया था, इसलिए ये होना चाहिए। तो ये कब तक जो है आपका? हम लोगों की मांग है, हम लोग सरकार के सामने रखेंगे, अपना जनमत तैयार करेंगे, हम लोग भी अपनी शक्ति के माध्यम से बात रखेंगे। पर एक बात है, जो दलित पिछड़े लोग हैं, बहुजन लोग हैं, वो इस चीज से रूबरू नहीं है, जागरूकता नहीं, उनको कैसे जागरूकता की जाए? जनमत तैयार करने की बात मैं कर रहा हूँ ना, रूबरू करूँगा, जगाया जाएगा उनको, हमारे सारे लोग टीम तैयार हो रही है। तो जनमत में यही बिंदु रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिंतामणि जी, जो रिटायर अधिकारी हैं PCS के, IAS के, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में आज यहाँ तैयारी हुई है और रोड मैप तैयार हुआ है और पूरा खाका बनाया गया कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या करना है। अब वो खाका नहीं बताया जा सकता है, अब हम लोग जमीन पर उतर करके वो काम करना शुरू करेंगे, संगठित होंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, गांव स्तर तक जाएंगे, जिले स्तर तक जाएंगे, तहसील स्तर तक जाएंगे, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, सबको संगठित करके हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार से होगा, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से होगा, केंद्र सरकार से, उनके सामने रखा जाएगा, समाधान करवाया जाएगा। समाधान नहीं होगा, अगर समाधान नहीं होगा तो
तो ये धोबी समाज का वोट उसी के साथ रहेगा जो उसकी समस्या का समाधान करेगा। तो ये एक तरीके से आपका अब जो है ऐलान ही समझा जाएगा। वोट के पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, वोट का पावर जो है, उस वोट का पावर हम उसको देंगे जो हमारी बात करेगा। पर ये हमेशा तब वोट की पावर कहाँ चली जाती है सर, जब वोट का टाइम होता है? इसके लिए गाड़गे ज्ञान गंगा फिल्म तैयार की गई है, आज यहाँ जो है उस पर चलाया गया, दिखाया गया सबको। अब इस तरह से वो गांव-गांव फिल्म दिखाई जाएगी, गांव-गांव हमारे लोग जाएंगे, राष्ट्रीय कमेटी है, प्रदेश कमेटी है, जिला कमेटी है, सब लोग गांव-गांव जाएंगे और सबको समझाएंगे, बताएंगे कि अपने वोट के पावर को समझिए, वोट का पावर उसी को दीजिए जो आपके हित की बात करे, आपकी बात करे, आपकी समस्या के समाधान की बात करे, उसको वोट का पावर दीजिए, इधर उधर वोट का पावर मत दीजिए, ये बात बताने की जरूरत है। कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार कनौजिया। मैं आपके माध्यम से जो आपका चैनल है जनहित, उसके एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो विश्व रज्जक महासंघ है वो पूरे देश का संघ है, वो विश्व को, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कह रहा है। उसी लड़ी में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी की बात है, जो हमारे पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वो दिल्ली में भी है, वो सरकार को तब बनाया गया था क्योंकि जनहित की बातें कर रही थी। यही चेंजिंग करी है पंजाब के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सरकार रही हैं, अकाली गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस भी रही है, और मेरे ख्याल इस तरीके की जनहित की बात है कि अम्बेडकर और भगत सिंह की फ़ोटो लगा दी, ये जनहित की बात नहीं, शुरुआत है भगत सिंह और अम्बेडकर की। जब शुरुआत हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, आज हर दफ्तर के अंदर, हर चौराहे पर जहाँ अम्बेडकर की और भगत सिंह की मूर्तें लगी थी, उसके ऊपर कोई सोचता नहीं था, आज हर दफ्तर में, हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह की। सर, अगर सिर्फ फोटो लगाने से ही अगर देशभक्ति दिखती है तो हर कोई फोटो ही लगा देगा, मगर एक तरफ तो वो हनुमान चालीसा की बात करते हैं और हनुमान चालीसा भी गाते हैं। नहीं, ये दोनों में डिफरेंट है। मैंने एक बार एक जगह अम्बेडकर की और एक बार हनुमान चालीसा की, ये दो एक ही राजनीति, मतलब एक ही तरफ में, ये दो चीज़ें कैसे चल सकती? नहीं, दो चीज़ें नहीं चलेंगी। धर्म अपनी जगह पे है, और हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, वो अलग जगह है, ये समझना पड़ेगा उनको। अब पंजाब की दिल्ली की बात हो रही है, पंजाब में है, पंजाब में हमारे उस समाज को आगे ले जाना पड़ेगा, हमारे समाज को उस कैटेगरी में लेके जाना पड़ेगा जो दिल्ली के अंदर है। क्योंकि अब वो बात नहीं कह सकते थे भी, जब हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें करना पड़ेगा, रजक समाज को जो वंचित है, पीड़ित है, उनको भी एससी में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था, इस बात को बहुत अच्छी तरीके की थी, जब हमारी सरकार आएगी पंजाब के अंदर, जो हमारा रजक समाज है, जो बीसी में है, उसको हम एससी में लेकर आएंगे। मैं इसी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि उन्होंने अंबेडकर साहब की और भगत सिंह की फ़ोटो लगा दी है, उस विचारधारा को उनको पर उतारना पड़ेगा, और हकीकत में उतारना पड़ेगा। नहीं तो जनता जानती है, किसी को हमेशा के लिए सीटें नहीं मिली है, राज करने की प्रथा नहीं मिली है, हमने पंजाब में तो अच्छे अच्छों को नीचे उतार दिया है। पिछड़ा समाज जो है इसी तरीके से बेवकूफ बनता आया है हमेशा। नहीं, अब नहीं बनेगा पिछड़ा समाज बेवकूफ, बहुत हो लिया, बहुत सबने देख लिया भी पिछड़ा समाज को बेवकूफ बना लिया। अब जागरूक तो हो चुकी है, अभी हम जब दिल्ली में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को लोगों को ये बताना है, कि मैडम एक मिनट, पहले तो आप ये बताइए कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के राजनीतिक बेस पे आई हैं या हमारे? मैडम, मैं राजनीतिक बेस पे नहीं आई हूँ, अगर राजनीतिक क्वेश्चन कर रही हूँ, राजनीतिक क्वेश्चन तब कर रही हूँ अगर राज्य सरकार आए। मैडम, बात कीजिए मेरे संगठन की, संगठन की बात करते हुए ही, संगठन की बात करते हुए ही मैंने राज्य सरकार की मैडम बात की है। अगर आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे तो कैसे आप अपनी बात पहुँचाएंगे, ये बताइए। बोलने की जरूरत है, सरकार पलट के रख दी है, दिखा नहीं आपको? कैसे पलटेंगे मैडम? पलटी नहीं है, पंजाब में लाए नहीं है आम आदमी को, किसने बात की? आ गई है तो भगत सिंह की बदौलत आई है, उनकी आपकी बदौलत नहीं आई है, सुनिए बात को। जब हम बोले नहीं, इतना नहीं रखिए, ऐसे सुन जाएगा आपको। हम बता रहे हैं
की हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलते भी है पर बोलने से भी डरते हैं। डरती नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं आपको कि आप राजनीतिक मुद्दा मत उठाइए। ये पूछिए कि मैडम राजनीतिक मुद्दा उठाया ही नहीं है। अगर मैं सवाल नहीं करूंगी तो राज्य सरकार का मुंह पे नाम ही नहीं आएगा। इन लोगों के आ रहा है, अपने आप आ रहा है, आ चुका है बेटा जी, वो बदला जा चुका है। और ये अभी पूरे हिंदुस्तान में देखिए धीरे धीरे कैसे बदला जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, अभी दिल्ली में देखा था आपने, हरियाणा में देख लिया, आगे भी मिलेगा। अब बात आई है सिर्फ मेन कि आप यहाँ आई हैं, सरकार को जवाब नहीं दे पाएंगे, आप सरकार को कभी जवाब भी नहीं दे पाएंगे, आप मुझे ही जवाब देंगे, क्योंकि सवाल करने वाले पे ही जो है आप लोग शिकंजा कसते हैं। मेरा तो काम है, मैं आपसे सवाल करूंगी जी। सुनिए, देखिए हम आपको जवाब नहीं देंगे, हमारा जवाब सरकार को ही मिला था बेटा, आपको नहीं मिला, समझे आप? क्यों, जब हमने तख्ता पलट के एक सरकार का ही, सिर्फ पंजाब के भी आप पे बोल रही हूँ। मेरा नाम पूनम बेनीवाल है, मैं पंजाब से आई हूँ और विश्व रजक महासंघ को प्रेजेंट करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ पंजाब की तरफ से, ठीक है? और आज यहाँ मेरा मुद्दा यही है कि मैं अपने समाज के लोगों को कैसे जागरूक करूँ, कैसे एकजुट करूँ, कैसे संगठित करूँ, और उस संगठित होने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, ठीक है? और एक चीज़ था हमारा कि हम लोग जैसे हमारे अध्यक्ष, हमारे नेशनल अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि हर स्टेट में अपना विश्व रजक महासंघ का एक दफ्तर होना चाहिए, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस भी हो, स्टेट का भी हो, जैसे भी हो, कि एक विश्व रजक संघ के नाम पे कोई चीज़ होनी चाहिए कि जिसके लिए हमें भटकाव ना करना पड़े, हम सीधा डायरेक्ट वहीं जाएं। तो उसके लिए हमारे राजकुमार जी हैं, राजू जी हैं, राजू पवार जी रामपरा फूल से हैं, इन्होंने 1000 गज का प्लॉट है जो विश्व रजक महासंघ के नाम पर किया है, डोनेट किया है। ओके, और कुछ क्वेश्चन आपका? मैडम आप, मैं तो आपके पास आई रही थी, आपने बोला कि एक मिनट आ जाइए, तो शेरनी बनी है मैडम, बिल्कुल शेरनी बनी है, क्योंकि यहाँ पर शेर नहीं, हो गया बढ़िया। लेकिन सिर्फ ये था कि कहना ये चाहते थे कि आप यहाँ आइए ना, हम लोग विश्व रजक महासंघ के लिए उससे बात कीजिए। जी जी सर, सर जिस तरीके से आज ये बैठक हुई है तो कितनी मतलब सक्सेसफुल रहेगी समाज के लिए, रजक समाज? बिल्कुल बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रही, 100% सक्सेसफुल रही मैडम। बात हम मध्य प्रदेश से, हमारी पूरी टीम 10-11 पदाधिकारी, हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ आज आए। 2 दिवसीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन था और हमने अपने मध्य प्रदेश की बात पूरी दमदारी के साथ रखी। मध्य प्रदेश में रजक समाज 53 जिले हैं, और 53 जिले में 3 जिलों में SC में आती है, बाकी जिले में OBC में आती है। अब सब देखिए विलंबना वहाँ की, OBC का जिले से अगर हम SC के जिले के लड़का, अगर OBC का लड़का है और SC की जिले से जो जिला SC में आता है उसकी लड़की से हमारे बच्चे का संबंध होता है, तो मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार का एक नियम बना रखा है कि अदर कास्ट से संबंध होगा बच्चे का, तो सरकार 2 लाख रुपए का उसका वो देती है, दो लाख रुपया करीब उसको सहायता देती है अदर कास्ट से शादी करने के लिए। यानी आपने छोटे समाज की बच्ची को आपने शादी किया, इसलिए पुरस्कार राशि दी जाती है। लेकिन जब हम इसी के लिए क्लेम करते हैं सरकार के पास कि हमारे पिछड़े वर्ग के लड़के ने SC की लड़की शादी किया हमारे बच्चे ने और खुशी खुशी की है, हमें वो मुआवजा दे आप दीजिए, जो पुरस्कार राशि आप देते हैं सरकार वो दीजिए, तब जब देने का नंबर आता है तो सरकार वहाँ पल्ला झाड़ लेती है। आप तो एक ही समाज है, आप तो एक ही समाज है, आप भाई एक ही समाज कैसे? हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जब आपने नियम बनाया, जब आपने संविधान बनाया, तो आपने कहा कि अदर कास्ट के छोटी जाति से ऊंची जाति के लोग शादी करते हैं तो उनको आप सपोर्ट करते हैं, सरकार भी पैसा देगी उसको, तो कहाँ पैसे देते हैं आप? मैं OBC में हूँ, मेरे बेटे ने SC की लड़की से शादी के संबंध कहीं ना कहीं उस धन का गबन हो रहा है, गबन हो रहा है ना, सरकार उसको दे रही है जो हमारी रजक समाज से हटकर जो समाज है वो लोग शादी करेंगे उनको राशि मिलेगी, लेकिन हमें नहीं मिलेगी। हमें ये कह दिया जाता है आप दोनों तो एक ही समाज है, हम कह रहे हैं हम कहाँ हैं, एक जिले में SC बाकी जिले में OBC, हम कहाँ एक समाज हुआ? लेकिन सरकार बेवकूफ़ बनाती है हम लोगों को, अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम सरकार के खिलाफ रोड पर उतरेंगे, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और ऐसे करेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे, अनिश्चितकालीन बिल्कुल, अन्न जल त्याग सब त्याग देंगे और माए बच्चे परिवार सहित बैठेंगे, पूरा विश्व रजक महासंघ बैठेगा। मुद्दे जो है आपके क्या रहेंगे इसमें? सबसे प्रथम मुद्दा एक ही है, हम 3 जिलों में SC में है ना, आप बाकी कर दीजिए, राजस्थान में 1 जिला था, बाकी जिलों ने SC में मान लिया, वहाँ की सरकार ने 1 जिले को मान लिया, हमारे तो मध्य प्रदेश 3 जिले हैं, आप सोचिए। लेकिन सरकार
हमारी बातों को आज तक लगातार नजरअंदाज कर दी, लेकिन हमारी पूरी समाज शिक्षित हो चुकी है, पढ़े लिखी समाज हो चुकी है। अब ये बेवकूफी जैसी सरकार की बातों में जो रजक समाज में जो युवा है, जो छात्र वर्ग है, तो उसके लिए क्या बिंदु रहेंगे इसमें? हम तो ये हमारा रजक समाज का जो धंधा है, व्यवसाय जो हम लोग लॉन्ड्री प्रेस का जो करते हैं, हमें इसको उद्योग का धंधा मान्यता देनी चाहिए सरकार को, तो हमारे बच्चों को लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा उसके। लेकिन उसको जब भी सरकार योजना में जोड़ती है तो उसको उसमें नहीं जोड़ती है कि ये उद्योग में या व्यवसाय में आता है, वो व्यवसाय में जोड़ उसको छोड़ देती है, बाकी सबकी छोटी छोटी चीज़ों को सब जोड़ती है सरकार। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के लोग व्यवसाय करते हैं उसको उद्योग के धंधे में उसको सम्मिलित किया जाए, और सरकार कम से कम 10 लाख 25 लाख रुपए का लोन निःशुल्क उनको दिया जाए, बगैर ब्याज पे, जीरो बैलेंस पे, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। सूबेदार मेजर सुखराम मंडोवरा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मैं दिल्ली से ही हूँ। आपने एक सवाल किया था संगठन का कि संगठन कैसे मतलब कामयाब होगा। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अंबेडकर के नाम पर ये संगठन जो काम कर रहा है उसकी भूरी भूरी तारीफ होनी चाहिए। कोई संगठन एक उभर कर आया है, जब रजक समाज ही समझ लो, हमारा समाज जो है उभर कर आया है, उसके लिए कुछ काम करना चाहता है तो करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि जो अंबेडकर जी थे उसने दलितों के लिए ही काम नहीं किया, मानते हैं इस बात को, हैं वो हर शोषित और पीड़ित लोगों के लिए काम किया, इररेस्पेक्टिव ऑफ ये चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इंडिया का हो, इंडिया से बाहर का हो, कहीं का भी हो, उन्होंने ये काम किया। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की, आपको मालूम है उस जमाने का, मैंने पढ़ा है उसको, उस जमाने का सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, है ना, उसको सिंबल ऑफ द नॉलेज माना जाता है। बाहर यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर उनके लिखा हुआ है फोटो के साथ में जो है सिंबल ऑफ द नॉलेज। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, बुरा नहीं मानना उस बात का, मैं बेटा आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किसकी वजह से आई, किसकी देन है ये, आप बताओ। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानती और उनकी वजह से ही आई यहाँ, आई है ना जी। हाँ, क्योंकि पहले महिलाओं को कहीं शिक्षा का अधिकार नहीं था। अभी इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। एक आपकी तरह से ही जागरूक महिला स्टेज पे कुछ बोल रही थी, उन्होंने अंबेडकर के विषय में कुछ बोला, एक सज्जन उठ करके आए और उन्होंने बोला मैडम आप भी अंबेडकरवादी हैं, तो उन्होंने बोला आप बैठ जाइए, ज़रा बैठ जाइए, मैं बताती हूँ कैसे हैं, मैं ही नहीं हूँ अंबेडकरवादी, आप भी अंबेडकरवादी क्यों, बोला मैं क्यों अंबेडकरवादी हूँ, मैं तो ऊँची जात से हूँ। हैं, तब उसने क्वेश्चन किया कि आप क्या काम करते हैं, बोला मैं तो खेती करता हूँ। आपकी वाइफ क्या करती हैं, टीचर हैं, बोला ये बहुत बड़ी कामयाबी तेरे पास है, जो तेरे ससुराल वालों ने, तेरे सास ने, ससुर ने, उसके तेरे साला ने, जिसने भी उस परिवार ने उस लड़की को पढ़ाया लिखाया, किसकी वजह से पढ़ाया लिखाया, अम्बेडकर ने तो दिया उसको, क्या दिया, संविधान के थ्रू जो है शिक्षा का अधिकार दिया, और वो लड़की पढ़ी, वो लड़की आज टीचर है, और वो टीचर की कमाई करके, तनख्वाह लेकर के तेरा घर चला रही है, चला रही है। उसने बोला हाँ चला रही है, तो बोला आप अंबेडकरवादी कैसे नहीं है, जब तुम्हारी बीवी कमाकर अंबेडकर की वजह से कमाकर तुम तुम्हारा परिवार चला रही है, तो तुम अंबेडकरवादी कैसे नहीं हो, मैं तो हूँ, बोला मैं तो इस स्टेज पर आई हूँ, इतनी जनता मेरे को सुन रही है तो अंबेडकर की वजह से सुन रही है, नहीं तो मेरे क्या हिम्मत है, मेरी क्या औकात है जो मैं स्टेज पर बोलूँ, जो है बेबाक बोल रही हूँ सबके सामने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अंबेडकर के लिए जो है समाज के उत्थान के लिए, अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको समाज में फैलाने के लिए, उस पर चलने के लिए जो है, नॉट ओनली जो है ना दलित समाज ही उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, पूरा समाज जिम्मेवार है, चाहे कोई भी हो, बताओ सब जिम्मेवार हैं, जिम्मेवारी से तो भागते हैं ना, वो भागते हैं। मैं यही चाहता हूं, जैसे अभी साहब लोग बोल रहे थे कि भाई रजक समाज ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है वो कर रहा है, लेकिन इसी तरीके से दूसरे समाज ने भी करना चाहिए, ब्राह्मणों में नहीं करना चाहिए, क्षत्रियों ने भी करना चाहिए कि हाँ उसने जो है समाज में जो है एक जगह बनाई है औरतों के लिए, जो है ना अभी हम सम्मान से जी सकती हैं, उनके परिवार में भी तो बेटी हैं, बहन है। पर अंबेडकर को तो सवर्णों ने जो है अछूती बना दिया है ना, क्योंकि अछूत की बस्ती में ही जो है वहाँ पर मूर्ति उनकी लगाई जाती है, ऐसा सवर्ण लोग कहते हैं। ये गलत है, ये एक गलत धारणा है, हम भी मानते हैं, हम धारणा को कैसे तोड़ा जाए, धारणा को जो मैं अभी बताया है
उसी तरीके से तोड़ा जा सकता है कि अंबेडकर को के कोई रजक समाज या कोई दलित दूसरा समाज है, कोली समाज है, चमार समाज है, भंगी समाज है, दूसरा समाज है, वो ही नहीं माने, वही अपने मोहल्ले में या अपने एरिया में उसकी मूर्ति ना लगाएं, है ना। उसकी मूर्ति वहाँ भी लगनी चाहिए जहाँ ब्राह्मण समाज है, जहाँ क्षत्रिय समाज है, वहाँ भी उसको मानना चाहिए, तभी जा कर के ना जो है ये समाज में एकता आ सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सूत्र है के सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ कब होगा भाई, जब आप अंबेडकर को तो अछूत मानते हैं। अब मैं एक सवाल आपसे और करता हूं, हमारे राष्ट्रपति कौन है? कोविंद जी है। कोविंद जी है, किस समाज से हैं? मुझे तो पता है, आप ही बता दीजिए। चलो मैं ही बता देता हूं, मेरे को नहीं पता, मैंने तो उनकी जीवनी नहीं पढ़ी है इतनी, लेकिन ये है कि कोली समाज से बताते हैं उनको, वो भी एक दलित समाज है। एक हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति की चेयर पर है, उससे बड़ा तो कोई पद नहीं है ना हिंदुस्तान में, पड़ा नहीं, उसको दलित बोला जाता है, क्यों भाई? वो आज भी दलित है क्या? एक राष्ट्रपति दलित है? उन्हें तो मंदिर में जाने से रोक दिया गया। रोक दिया गया। मैं बोलता हूँ कि अभी देखो आप फिर बोलेंगे कि आप राजनीति बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ वो, क्योंकि बात आ ही जाती है सर। ठीक बात, नहीं मैं भी सुन रहा था। ठीक बात, देखो ऐसी बात है, कोविड जी को वो तो एक बहुत बड़े आदमी हैं और जज भी रहे हैं, जो है ना उनको सब कुछ जो है ना जुडिशरी का भी नॉलेज उनको है, और उन्होंने जो है ना बहुत कुछ जो है ना वहाँ सहन कर लिया, वो ठीक बात है सहन कर लिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे दिल से अगर पूछा जाए तो कोविड जी ने बहुत ही एक बहुत बड़ा स्टेप वहाँ पर ले लेना चाहिए था, एक राष्ट्र कहीं ना कहीं वो भी हाँ वो संकुचित वो उनकी मानसिकता है, कहीं ना कहीं वो बंधे हुए हैं राजनीति से, बेशक वो इतने ऊंचे पद पे हैं, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, पर ऐसा क्यों है ये समझ नहीं आता, यही मेरी सवाल भी है, ये क्यों है? उन्होंने कैसे साइन कर लिया ये है? जब हम साइन नहीं कर सकते, हमको आग लग गई, आज हमारा राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक दिया, फिर बाकी जनता का क्या होगा भाई? है तो गलत संदेश गया कि नहीं गया बताओ, इससे बड़ा और संदेश जनता में क्या जाएगा कि हमने तो राष्ट्रपति को भी मंदिर तो जागरूकता है, ये कैसे फैलेगी? ये जागरूकता का मतलब यही है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ धर्म, इररेस्पेक्टिव ऑफ जो है ना शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी कुछ है, उनको सबको आगे आना पड़ेगा, उनको सबके आना पड़ेगा, तब जा करके ये संगठित एकत्रित कैसे होंगे? संगठित इकट्ठित होने का मतलब यही नहीं है कि एक रजत समाज ही जो है ना इसके पीछे लगा रहे, इसके पीछे हो करे, सभी समाज को आगे आना पड़ेगा, नॉट ओनली दलित समाज आना पड़ेगा, ऊपर वाले समाज जिनको मैं बोलता हूँ, मैं मेरे दिल से नहीं बोलता हूँ ये ब्राह्मण ऊंचा है, मैं नहीं समझता ऊंचा है करके, इंसान जो है ना इंसान सब बराबर है, समझे ना, सब एक तरीके से पैदा हुए, एक तरीके से खाते पीते हैं, एक तरीके से रहते हैं, एक तरीके से रहते हैं, सही ना, हमारा संविधान ने सबको अधिकार दिया है, ठीक है ना, उस तरीके से रहते हैं, तो कोई ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ कि ये हिंदुस्तान में कास्ट को ख़त्म कर दो, मेरे को ब्राह्मण मत बोलो, कोई मेरे से पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है, मैंने एक दिन जवाब दिया था किसी को, मैं बोला मैं पढ़ा लिखा हूँ, उस नाते तो मैं ब्राह्मण हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार, मैंने 30 साल आर्मी में नौकरी किया। सर कास्ट खत्म हो जाएगी तो एजेंडा खत्म हो जाएगा ना, एजेंडा राजनीतिक एजेंडा खत्म हो जाएगा तो दूसरा एजेंडा होगा, वो तो विकास का एजेंडा होगा, दूसरे एजेंडे होंगे ना, फिर ये एक एजेंडा खत्म कर दो तो विकास ही विकास है, फिर अगर ये कास्टिज्म का एजेंडा खत्म कर दो, धर्म का एजेंडा खत्म कर दो, मंदिर मस्जिद का एजेंडा खत्म कर दो, फिर तो विकास ही विकास है। मैं बता रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान कहाँ जाकर टिकेगा, कहाँ जाकर रुकेगा, ये अमेरिका के बस की बात नहीं है, फिर इसको जो है ना अमेरिका हमारे पास आएगा, हम नहीं जाएंगे अमेरिका के पास, मैं आपको आज बता रहा हूँ इस बात को अगर हमारे हिंदुस्तान से कास्ट खत्म कर दो, समझे ना, इस पर वोट मत मांगो, ये कालम खत्म कर दो। मैं जब पढ़ता था 10वीं क्लास में तब एक बार आया था ये संसद में पॉइंट उठा था कि जो है अभी गवर्नमेंट के कागजों में कि कास्ट का कालम ख़त्म किया जाएगा, कास्ट का कालम नहीं रहेगा, मतलब पहले क्या था, मेरा नाम सुखराम है तो सुखराम के साथ में रजक लगा दिया, फलाना चमार है, चमार सुखबीर चमार है, फलाना चमार है, फलाना कोली है, नहीं लगाते थे पहले लगाते थे, आजकल तो लोग नहीं लगाते, अपना गोत्र लगाते हैं, नहीं तो खाली नाम लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय एक आया था, लेकिन इन राजनेताओं ने जो है ना वो फिर दबा दिया कि इनको मालूम है कि फिर हम वोट किस नाम से मांगेंगे, है ना, ये गलत धारणा थी, ये गलत धारणा थी। अगर ऐसा हो जाए, आप बताओ आपके दिल में क्या है, आप समझते इस बात को कि कास्ट जो है ना किसी को
किसी को कास्ट के नाम से बोला जाता है। एक कास्ट तो ये है कि वो तो हर जगह अपना जो है ना वो बैनर लगाती है, अपनी गाड़ी पे भी लिखा देती है, बड़ी कहीं देखा है आपने चमार लिखा हुआ, कोई ढाबा देखा है आपने चमार ढाबा, बंगी ढाबा, क्यों नहीं भाई, वो इंसान नहीं है क्या, है ना। लेकिन अगर किसी ने लगा दिया तो उसका बेचारे का एक दिन भी नहीं चलेगा, है क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कास्ट ही तो एक जो है ना रोड अटका रही है, कहीं घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे हैं, कहीं मूंछ नहीं रखने दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है, देखो अंबेडकर जो मैं शॉर्ट में कंक्लूजन में मेरा यही मतलब है कि अंबेडकर जी जो है भीमराव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो केवल दलित के ही मसीहा नहीं है, वो दलित के ही लिए काम नहीं किया उन्होंने, उन्होंने सबके लिए काम किया है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो, सबके लिए काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, फर्स्ट हमारे वो जो है कानून मंत्री रहे हैं, है ना। और कहाँ से उठ करके बताओ, उनकी जीवनी अगर पढ़ते तो कहाँ से उठकर कहाँ पहुँचे, हम तो सपन भी नहीं देख सकते ऐसे, हमारे सामने तो अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाती हम पीछे हट जाते हैं, नहीं हट जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसी बात की कमी है। चलिए आपसे जो है अभी हमने इनसे तो ये जो है ना मैं तो यही कहना चाहूँगा अंत में कि भाई जो है ना ये मैसेज आपके थ्रू मैं यही देना चाहता हूँ कि ये अंबेडकर जी केवल एक दलित समाज से ही संबंध नहीं है उनका, इनके पूरे समाज से संबंध है, पूरी कैटेगरियों से संबंध है ना, और उसको सब लोगों को समझना चाहिए, सब लोगों को अंगीकार करना चाहिए, समझे ना। ये नहीं है कि वाल्मीकि मंदिर बन रहा है जी, वाल्मीकि मस्ती उसमें क्यों भाई बन रहा है, वाल्मीकि कौन था, अभी रामायण रामायण राम राम तो सब कर रहे हैं, रामायण को सब गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, किसने लिखी थी रामायण बताओ, हैं रामचरितमानस वाल्मीकि ने लिखी थी ना, फिर वाल्मीकि को क्यों नहीं मानते भाई, जिसने रचिता है उसका उसको तुम मानते नहीं हो, हैं उससे तो घृणा करते हो, और जो जो उसने आपको वो एक दे दिया है, जो ग्रंथ दे दिया है एक जो है ना वो, और उसको उसके पीछे आप पड़े हुए हो, उसको तो आप मानते हो, घर घर में पूछते हो उसको, क्यों भाई ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए ना ऐसा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ। तो आपके माध्यम से यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं पूरे समाज को देना चाहता हूँ, न कि रजक समाज को, जो भी समाज इसके पीछे लगा हुआ है ठीक है, वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा है, समाज गवर्नमेंट तक भी उसकी जो है ना आवाज़ को भेज रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए सभी समाज को आगे आना चाहिए अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। चलिए अभी जो है हमने इन लोगों से बात की, किस तरीके से यहाँ पर समाज को रजक समाज को लेकर के इन लोगों ने अपनी जो है बातें रखी, हमने सभी से जाने और सबके विचार जाने कि किस तरीके की समस्याएं हैं इस समाज के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, और सभी की बात है, ये सिर्फ रजक समाज की बात नहीं है। अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज और इस तरीके का शोषित समाज अगर आगे नहीं आएगा तो कैसे बात उठेगी, और इसी पर हम चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ही सवाल और मुद्दे उठाते रहेंगे, जब तक देखते रहिए जनहित आवाज़।